हेलो दोस्तों, घुमक्कड़ वाराणसी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आए हुए हैं। ये दोस्तों देखिए, ट्रामा सेंटर है। ट्रामा सेंटर से हम लोग चलेंगे सामने घाट की तरफ। जब हम लोग सामने घाट की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे बाढ़ आया हुआ था, बाढ़ ग्रसित एरिया था दोस्तों, ये पूरा रोड डूबा हुआ था उस समय। अब ये बाढ़ जैसे ही हटा है और ये पूरा रोड देखिए, देख रहे हैं कितना कितना सफाई हो गया है दोस्तों। अभी भी देखिए रोड के साइड कीचड़ है, थोड़ा थोड़ा है, बट अब पूरी तरह से ये रोड साफ़ हो चुका है दोस्तों। लीजिए, हम लोग आ चुके हैं रामनगर के पुल पे। जी हाँ दोस्तों, ये रामनगर का बहुत ही शानदार पुल है और इसको बनने में कम से कम 15 साल लग गए दोस्तों। 3 से 4 सरकारें आई और चेंज हो गई। 15 साल इस पुल को बनने में लग गया। फाइनली बीजेपी की सरकार में दूसरे पुल बनकर तैयार हो चुका है और दिखा रहे हैं आपको गंगा घाट। दोस्तों ये गंगा का किनारा है, ये देखिए, आइए आपको दिखा। ये देखिए रामनगर पुल है, पुल पर से आपको पूरा बाढ़ ग्रसित पूरा क्षेत्र दिखा रहे हैं। देखिए क्षेत्र गंगा गंगा का दृश्य है, ये देखिए दोस्तों। गंगा का पूरा दृश्य दिखाते हैं। इस समय गंगा का जो जलस्तर जो बढ़ा हुआ था बहुत ही ज़्यादा घट चुका है। जो मेरे पीछे आपको दिखाया दोस्तों, ये पूरे रोड पे ही पूरा पानी भरा हुआ था, बट अब पूरा साफ हो चुका है। पूरा गंगा अपने धीरे धीरे नीचे चली आ रही है, ये देखिए दोस्तों। अब ये अपने परिक्षेत्र में लग रहा आ गई है, जितना बाढ़ ग्रसित एरिया था सब धीरे धीरे खत्म हो गया है, ये देखिए दोस्तों। तो ये रामनगर का पुल है, पुल से ही आपको मैं सीधा दिखा दे रहा हूँ रामनगर का किला। ये देखिए दोस्तों, ये सामने जो दिख रहा है रामनगर का किला है। यहाँ पे आए हैं और मैं आपको लस्सी पीने से पहले यहाँ का जो बाढ़ ग्रसित एरिया था वो दिखाना चाह रहा था। ये देखिए पूरा पूरा जलस्तर खत्म हो चुका है। लीजिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रामनगर किले के पास। ये देखिए सामने दिख रहा है रामनगर किला है दोस्तों, जिसका वीडियो मैं लास्ट वीडियो में अपलोड किया हुआ है। ये सामने दोस्तों देखिए द्वारका लस्सी भंडार है। यहाँ की जो लस्सी है विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों, बहुत ही अच्छी लस्सी यहाँ में बिकती है। आप यहाँ पर आकर आएँ और यहाँ के लस्सी का स्वाद लीजिए। लस्सी में इतने भर के ये दोस्तों, इनकी लस्सी में रबड़ी इतना भरा रहता है और उसको पीने का जो स्वाद है, मज़ा है दोस्तों, मज़ा आ जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं और इस लस्सी का स्वाद लेंगे। भैया देखिए इसको अभी सजा रहे हैं, बहुत ही खुशी सजाने के बाद अब ये हमें देंगे, हम लोग चलेंगे लस्सी पियेंगे। देखिए दोस्तों, लस्सी हमारे हाथ में आ चुकी है, अब हम इसका स्वाद लेंगे, दिखाएंगे कितना अच्छा है लस्सी। बहुत ही शानदार था लस्सी दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट, मज़ा आ गया पी करके। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं रामनगर में। थोड़ा बाहर निकलते हैं, मैं थोड़ा महक अटैक लगा तो मैंने देखा तो ये मछली बाज़ार लगा हुआ था, उसके बगल में ये ठीक दुकान के बगल में दोस्तों गंगा माँ का ये बाढ़ ग्रसित एरिया था, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। पूरा जला स्तर नीचे चला जा गया है दोस्तों। ये देखिए, ये वही पुल है जिसको मैंने अभी लास्ट में दिखाया है। ये इसी पुल से मैं आया हूँ और यहाँ पर पुल के बगल में दोस्तों ये दुकान है, जो लस्सी की दुकान है। जी हाँ दोस्तों, और उसी के बगल में ये पूरा बाढ़ ग्रसित एरिया था और पूरे बाढ़ से ये पूरा क्षेत्र डूबा हुआ था। अब ये जला स्तर नीचे चला गया है और ये बाढ़ ग्रसित एरिया अब नहीं रहा है, अब बस इसकी सफाई होनी बाकी है दोस्तों। चलिए हम चलते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही दोस्तों ये रामनगर किला देखिए, मेन गेट है, जिसका मैंने भी लास्ट वीडियो आपको वीडियो डाल दिया है, आप देख सकते हैं। हमारा सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए जरूर। लीजिए दोस्तों, हम लोग अब पहुँच चुके हैं इस समय रामनगर का ये मार्केट है, पूरा लोकल मार्केट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा लोकल मार्केट है। यहाँ पे सब्जी, फल, फ्रूट और कपड़े दुकान, यानी कि मसाले, हर एक चीज़ जो भी आपको चाहिए आ सकता है वो मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और रामनगर का सबसे छुपा हुआ चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं। आप गैस करिए, हम आपको रामनगर का सबसे छुपा हुआ चीज़ क्या दिखा सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम आपको बता ही देते हैं। रामनगर का सबसे छुपा हुआ चीज़ है यहाँ का पोखरा दोस्तों। बहुत ही शानदार बना हुआ है पोखरा, है बहुत ही बड़े परिक्षेत्र में बना हुआ है और वहाँ पे साल में एक बार पाटी चोखा का मेला लगता है। यहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। दिखा दीजिए, देखिए कितना ज़्यादा पानी इसमें पूरा भरा पड़ा है और इस तालाब की खासियत कभी सूखता नहीं है और यहाँ के महाराजा काशी नरेश जी द्वारा ही बनाया गया पोखरा है दोस्तों। आइए आपको आगे दिखाते हैं दोस्तों। दिवाली के समय
रामनगर में विश्व प्रसिद्ध एक रामलीला का मंचन होता है, आयोजन किया जाता है। ये वो सारा कार्यक्रम यहीं पे होता है, इसी तालाब के इर्द गिर्द सारी रचनाएं, भूमिकाएं, सारी रामायण में घटित सारी घटनाओं का वर्णन बहुत ही सुंदरता से यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों लीजिए, हम लोग अब आ चुके हैं राजघाट के पुल पे। दोस्तों राजघाट पे पुल पे मैं पहुँचा, देखा नीचे चिताओं का चिताएं जल रही थी और गंगा घाट के किनारे था। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं पूरा बाढ़ ग्रसित एरिया, जो पूरा बाढ़ ग्रसित एरिया हो चुका था। अब गंगा का जल स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो अपने परिक्षेत्र में धीरे धीरे वापस आ रही हैं और जो लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका था वो ख़त्म हो गया है। अब ये देखिए दोस्तों, हम अब आ गए हैं राजघाट के पुल पे हैं। राजघाट का पुल का पूरा परिदृश्य आपको दिखा दे रहे हैं। ये 150 साल पुराना पुल है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस पुल से हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नवनिर्मित नमो घाट। नमो घाट में ये देखिए दोस्तों, जो हाथ बना हुआ है पूरा डूबा हुआ था, अब ये पूरा पूरा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि पानी का जला स्तर बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, ये है नमो घाट, खिड़किया घाट पे ही स्थित है दोस्तों। चलिए अब हम आपको आगे ले चलते हैं। राजघाट के पुल पे है, राजघाट के पुल पे से आपको नवनिर्मित घाट दिखा रहे हैं। खिड़किया घाट है और ये मतलब डूब चुका था दोस्तों, बट अब ये देखिए इसका जला स्तर कम हो गया है। इधर दिखाते हैं आपको, ये देखिए पूरा पूरा जला स्तर कम हो चुका है दोस्तों। बगल में दोस्तों ये काशी रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं, रुकती हैं, यहाँ से भी आप बिहार वगैरह के लिए आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बाय बाय। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी आपको मन विचार आए तो कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं, बाय बाय।